ये तो जी फ्री में ही आ जाता है कि जरा जी मेरी थोड़ी सफाई सुथराई कर दो। उसके बाद फिर मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे तो वो मैं देख रही थी। आजकल मेरा कपड़ों की तरफ बहुत ज्यादा ही कुछ ध्यान हुआ है, जो पसंद आते हैं फिर जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लेती हूँ मैं। मसला ये है ना, मुझे जिस टाइम जो चीज़ पसंद है ना मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से चीज़ पसंद आती है। तो जिस टाइम पसंद आती है मैं कहती हूँ इसको मैं जो ना मिस नहीं कराती, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर जो सामने होगी वो पसंद नहीं आएगी, इसलिए जो पसंद आ रही है वो ले लो ताकि ज़रूरत के टाइम वो काम आ जाए। कैसा दिया। सारे कपड़े जो हैं वो साइड किए। उसके बाद जो है आज बड़े ख़ास लोग जो हैं वो आ रहे थे बड़े टाइम बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं जाना हो रहा काफ़ी टाइम से, तो जो है भाई इनसे मुलाकात भी नहीं हो रही, तो इनको भी मैं बहुत याद आ रही थी और मुझे भी ये बहुत याद आ रही थी। तो ये भाई घर आ गई मिलने के लिए, और जैक्सन भी इनको भी इस तरह पहचानता है कि वो भी सही मिला रहा है भाई। और इसकी बहन से इतना ज़्यादा डर रही थी कि उसका फ़ोन दिल बंद होने लग जाता है कि जैक्सन को उठा दो मैं मर जाऊँगी। ये वैसे ही किसी को देख लेना तो जल्दी जल्दी भाग के आता है कि भाई मैं भी मिलूँगा। उसके बाद थोड़ी बातें करने के बाद जी मैडम मेरे एक अपना जो है मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, इन्होंने मुझे वो दिया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैंने अपने लिए बनवानी है, तो ये इन्होंने मुझे गिफ्ट दे दी। बहुत प्यारी सी रिंग थी, स्टोन की बनी हुई, तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हाँ थोड़ी खुली थी तो उसमें मेरी सेहत का कसूर है, उसका बिल्कुल भी कसूर नहीं है, लेकिन अंगूठी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मैंने इसको अपनी छोटी फिंगर में इसी तरह मैनेज कर लिया कि भाई कोई छोटी सी रिंग मैंने आगे की तरफ पहन ली ताकि जो बड़ी रिंग है वो बाहर ना जाए। उसके बाद हम मैचिंग कर रहे थे, भाई दिखाओ दिखाओ किसकी प्यारी है किसकी प्यारी है। सबको ये भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मैंने पूछा भाई क्या खाना है, तो उसने खुद बताया भाई मैंने कहा चीज़ें खाना है, कहती हाँ खाना है। फिर हम लोगों ने चीज़ें ऑर्डर किया। यूनिवर्सिटी में हम जब भी खाते थे ना ऐसे मन मन के खाते थे, लेकिन फिर भी बच जाता था। लेकिन इस दिन शायद हमें कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी तो बिल्कुल भी नहीं बचा। बातें शायद बहुत ज़्यादा कर ली थी ना, गॉसिप शायद बहुत ज़्यादा कर ली थी, तो बस वो भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा। फिर इसके आने की देर थी, वो जो फिर एक सांस में स्टार्ट हुई है, बता बता क्या हुआ, तू बता मैं बताऊँ, जल्द बहुत सी खुशखबरियाँ भी मैं आप सबको सुनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और फ्राइज़ तो इन सबको भाई इतने ज़्यादा पसंद है, मुझे कोई खास नहीं पसंद लेकिन ये लोग बड़े शौक से खाते हैं। दुल्हन जो बाहर चली गई है उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लोग जो है ना फ्राइज़ पर लड़ते थे मुझे अभी भी याद है। आपकी दोस्त के कपड़े बहुत पेंडू है, तो वो हम पढ़ पढ़ के हंस रहे थे कि भाई ये लोग क्या करते, बता रहे थे हम तो खैर नहीं पढ़ते लेकिन ये लोग पढ़ लेते तो ये हमें बता देते हैं फलाने ने ये कहा था फलाने ने ये कहा था। और उस दिन इतना बड़ा शॉपर निकला जीजस का कि मैं देख के परेशान हो गई, ये तो जीजस वाले को वापस भेज देना चाहिए। और पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो इतनी इतनी चाय पीते हैं भाई, मैं तो एक टाइम ये मुश्किल से पीती हूँ, ये लोग इतने शौक से पीते हैं। और हम बैठे हुए थे तो हमने कहा भाई एक काम है ज़रा इसको फ़ोन मिला लेते हैं ताकि इसकी कमी भी पूरी हो जाए। फिर हमने फ़ोन किया, इसको भी फ़ोन किया तो हमारा वो हिसाब है खाली बैठने की देर होती, फिर वो गप्पे लगती हैं। उसके बाद ये जो है मैंने बास्केट रेडी की थी पापा के लिए, और इसी तरह कर कुर के गप्पे शप्पे लगा के आज का दिन गुजर गया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़। ओके बाय।